बूंद बूंद नहीं, तिनका तिनका नहीं, पूरा शरीर अपना वहीं पे गला दिया, वापस मिट्टी तक नहीं आई मेरे चाचा की। को जाने की अनुमति नहीं थी, वो खेतों खेतों नदियां नाले पार कर करके गए। जैसे ही वो हनुमानगढ़ी गए, रामचंद्र की तरफ चली तो वो जो है नीचे से गोलियां, चारों तरफ से गोलियां चली। जब लाश ही नहीं मिली, लाश को तो उठा के सरियों में बहा दिया था। मुलायम शासन में पूरी तरीके से पुलिस को आदेशित किया गया कि आप किसी को भी अंदर ना जाने दीजिए। उसमें मेरे देवर को गोली लग गई और वो वहीं एक्सपायर हो गया। जाने आया कोई नहीं आया, ना विधायक, ना सांसद, ना सभासद, एक सभासद भी हमारे घर पे नहीं आया, सिर्फ वोट मांगने आते। उन्होंने कभी ऐसी परिकाष्ठा आपने नहीं देखी होगी, जिसने अपना खून, मतलब बूंद बूंद नहीं, तिनका तिनका नहीं, पूरा शरीर अपना वहीं पे गला दिया, वापस मिट्टी तक नहीं आई मेरे चाचा की। ठीक है, वो परिस्थितियां मैंने देखी है, लेकिन हमें पूछने के लिए एक सभासद अपने घर से निकल के, एक विधायक अपने घर से निकल के, अपना कार्यालय छोड़ के यहाँ नहीं आ सका। अगर विधायक जी के पास में जाओ तो पता चलता है वो अभी तो कार सेवा में गए हुए हैं, अभी रंटा बन गए हुए हैं, लेकिन राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने आहुतियां दी, उनके घर पे उनके पास समय नहीं है आने के लिए। कहीं ना कहीं इस बात का दुख है आपको पूरी तरीके से, इसमें भी कोई कहने वाली बात है, ये तो विडंबना है। अगर दुख नहीं है तो ये क्या है? मुझे आज खुशी है कि हमारे भगवान राम का मंदिर स्थापित हो रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उनकी, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती और इससे ज़्यादा हर्ष खुशी का एहसास कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस खुशी के साथ में कहीं वो दर्द भी झलक रहा है, जिसकी परिभाषा हम आपको बयान नहीं कर सकते, कि जिस राम मंदिर के लिए हमारे परिवार ने, हमारे पिता ने, हमारे चाचा ने गोलियां खाई, यहां से 300 किलोमीटर अयोध्या पैदल चल के गए, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई थी, किसी ने को जाने की अनुमति नहीं थी, वो खेतों खेतों नदियां नाले पार करके गए। उस कल्पना को सोचिए जहां पे हर जगह पे पुलिस बंदूक लिए खड़ी हो, गोली मार रही हो, और वहां से निकल के उस अयोध्या में पहुंच जाना। वो हनुमान दूत थे, लेकिन बस व्यवस्था यह है कि आज सरकार हमारी तरफ नहीं निहार रही है, बस खेद इसी बात का है। उस समय अशोक सिंघल जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि जो भी मृतक हैं अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस में, जो भी मरे हैं उन सबको एक एक लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी जो है छींटाकशी हो गई, वो पैसा भी हमारे हाथ में नहीं लगा, किसी तरीके की कोई मदद नहीं की गई। उसके बाद में कई लोग थे, अब उनका नाम नहीं बोलना चाहूंगा, उन्होंने कहा पहले FIR की कॉपी लेके आओ। जब शासन में आपके खिलाफ सब लोग बैठे होंगे और जो गोली मारने वाला है वही शासन में बैठा हुआ है, तो क्या वो आपकी FIR लिख देगा? कोई नहीं लिख रहा था। ठीक है, जब लाश ही नहीं मिली, लाश को तो उठा के सरियों में बहा दिया था। मुलायम शासन में पूरी तरीके से पुलिस को आदेशित किया गया कि आप किसी को भी अंदर ना जाने दीजिए। आपको शायद वाक्य याद हो, कोठारी बंधुओं की गोली मार दी, जो बेचारे कोई परिंदा भी पर ना मारे, ये कंडीशन थी। तो उस समय पुलिस को तो अपनी नौकरी बचानी है। मेरा देवर अमित कुमार आ गए, उस समय उसकी आयु 17-18 वर्ष की थी। दोनों लोग गए थे अयोध्या, 26 अक्टूबर को यहाँ से चले थे 2 नवंबर के लिए। उसके बाद वो वहाँ पहुँचे और उनका जो है जैसे ही वो हनुमानगढ़ी से महंत रामचंद्र परमहंस की तरफ चले तो वो जो है पीछे से गोलियां, चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई लालबाग की, और उसमें मेरे देवर को गोली लग गई और वो वहीं एक्सपायर हो गया। पुलिस वालों ने, उन्होंने अपने भाई की वो उठानी चाहिए डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने पुलिस वालों ने उनको
कुंडों से पीट पीट के बोले कि तुम्हें भी मारना है क्या, तुम्हें भी गोली मार दें, आप यहाँ से हट जाइए नहीं वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। इस तरह उनको मार मार के वो चले गए क्या करते आदमी, और लाशों को उठा के जो उन्होंने ये सब सरियों में बहा दी, गाड़ी खड़ी हुई थी गाड़ियों में ऐसे मार कर फेंक रहे थे सब सरियों में बहा रहे थे। चाहते तो हम भी यही है कि हमने इतना बलिदान दिया है तो हमें उसना आमंत्रण स्वस्थ उस पर निभाना चाहिए था, और हम भी भगवान के दर्शन तो हम भी चाहते थे कि हम शुरू में दर्शन करें, और खैर नहीं आएगा तो अभी हमें खुशी है, भगवान राम तो हमारे ही है ना, उनको तो कोई हमसे नहीं छीनेगा, उनके लिए तो हमने दी कुर्बानियां दी है, और जाएंगे बाद में जाएंगे, ये निमंत्रण वाले नहीं दे रहे तो कहीं को उनकी इच्छा है।